जनता तो परेशान हो रही है। हम जब भी यहाँ 2-4-6 महीने के लिए आते हैं तो यहाँ पर देख के हमारे को डर सा लगता है। पहले तो कहते थे हमारी सरकार रहेगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा। दिल्ली NCR में सुबह सुबह जब लोगों की नींद खुली तो उन्होंने आसमान में कोहरा देखा। शायद लोगों को ये लगा कि ठंड की दस्तक की वजह से आसमान में ये कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन आप इसे कोहरा समझें इससे पहले ये जान लीजिए कि दरअसल ये कोहरा नहीं है, ये है स्मॉग। दिल्ली और नोएडा में कमरों में धुएं जैसा कुछ भर गया था। राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में प्रदूषण का ये विकराल रूप है। दिल्ली नोएडा में हवा का स्तर इतना खराब हो चुका है कि लोगों को कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं। पिछले 2-3 दिनों से AQI 300 के पार है। माना जा रहा है आने वाले दिनों में ये 400 के पार पहुंच जाएगा। ऐसे में दिल्ली में क्रैप 3 भी लागू हो सकता है। दिल्ली नोएडा के आसमान में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे में आपको बताते हैं कि इस दौरान आपको किस तरीके की बीमारी बेचैन कर सकती है। दरअसल हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन और सिर दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से ही दिल्ली NCR में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर है। आसपास दिल्ली का AQI 327 दर्ज किया गया, वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में तो हवा की गुणवत्ता का स्तर 375 पर पहुंच गया। यही हाल NCR के बाकी इलाकों का भी है। हरियाणा के गुरुग्राम में AQI 249 है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हवा का स्तर 332 है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा धीरपुर इलाके में है, यहाँ तो AQI 404 तक पहुँच गया है। दिल्ली में इस सीजन का सबसे प्रदूषित दिन सोमवार का रहा, हालांकि मंगलवार को भी कमोबेश यही हाल देखने को मिल रहा है। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास की वायु गुणवत्ता लगातार 4th दिन बहुत खराब है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। ये केजरीवाल जी की मेहरबानी वजह से हो रहा है जी। पहले तो कहते थे मेरी सरकार रहेगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब मैं ठीक कर दूंगा। पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब उन्हीं को देखना है कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। उनकी समस्या है ये सारी। जनता तो परेशान हो रही है, होती रहेगी ऐसे। हम लोग विदेश में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। हम जब भी यहाँ 2-4-6 महीने के लिए आते हैं तो यहाँ पर देख के हमारे को डर सा लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं NRI हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। दिल्ली में देख के, दिल्ली का माहौल देख के, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन देख के यहाँ पर डर सा लगने लगता है। और जब भी हर बार सरकार जो है, जो यहाँ पर दिल्ली में सरकार है, हर बार यही कहती है कि हम पोल्यूशन को दूर करेंगे, पोल्यूशन को दूर करेंगे। कभी भी इन्होंने पोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल जी को अपने काम से व्यस्त है, अपने ही काम में हेराफेरी में ही व्यस्त है। और ना ही उन्होंने कभी पोल्यूशन के लिए कोई कदम उठाया है। एक आधा ट्रक छोड़ दिया पानी डालने के लिए, या एक आधा भी मैंने ये देखा है ट्रक छोड़ा हुआ है एक आधा पानी डालने के लिए। इससे प्रदूषण थोड़ी कम हो जाएगा। पोल्यूशन कम करने के लिए इनको कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि आम आदमी की, आम नागरिक की लाइफ सेफ हो सके। आपको बता दें, दिवाली से पहले ही अब सांस लेना मुश्किल हो गया है। जरा सोचिए कि जब दिवाली आएगी और पटाखे फूटेंगे उसके बाद हवा का माहौल क्या होगा। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। सुबह 8 बजे का समय ले लीजिए और रात तक हवा बहुत खराब रहती है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण से निपटने को लेकर कई तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच कई पाबंदियों का जिक्र भी किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा। ऐसे में आप सबको ये सलाह दी जाती है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर ही निकलिए। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।